अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, कैसे हैं? अल्लाह के करम फजल से मैं भी खैरियत से हूँ। आज मैं ये कॉकटेल पेयर का एग चेक कर रहा था क्योंकि डेट टाइम से ऊपर हो गया है, ठीक है, और हैचिंग नहीं की क्योंकि मैं डेट्स लिख देता हूँ हर उस पर जो एग लेआउट होते हैं मैं उनकी डेट्स लिख देता हूँ, तो उससे आसानी रहती है कि आपको मालूम हो कि आपके कॉकटेल पैरट्स की क्या प्रोग्रेस है। तो मैंने एग बाहर निकाले, मैं आपको दिखाता हूँ। ये इनके एग्स हैं, इसके अंदर ये मैंने भी चेक किया है और मैंने मार्किंग कर दी है। ये इसमें से ये देखें, ये एग न्यू है, इसमें एक ये वाला मैंने मार्किंग कर दी है, ठीक है। अच्छा, ये एग पिछले काफ़ी डेज से, मतलब ये 25 डेज से अबव हो चुका है, 30 डेज तकरीबन, तो मैंने इसलिए इनको निकाल दिया। ये वाला देखें, ये साइज़ कॉकटेल का एग का ये साइज़ इस एग से छोटा है, ठीक है, तो ये वैसे भी फर्टाइल होता नहीं, तो मैंने इसलिए भी इसको निकाल लिया क्योंकि टाइम डेट से ऊपर हो गया और मैंने इसको चेक किया है कि ये फर्टाइल नहीं है, ठीक है ना, तो मैंने इसलिए इसको अलग कर दिया है और इसको एग बैंक में रखूँगा जो मैं आपको दिखाऊँगा अभी। और बाकी ये थोड़ा सा डाउटफुल है कि ये थोड़ा सा वेट है इनमें, ठीक है, और ये दोनों एग्स में भी, ये दोनों एग पुराने हैं, इनमें वेट है, तो उनको वापस डाल के देखता हूँ, ठीक है। और ये न्यू एग है, लेआउट किया उसने और मैंने इस पर मार्किंग कर दी है, तो इसको भी वापस डाल देते हैं और दूसरे कॉकटेल पेयर का प्रोग्रेस चेक करते हैं क्या है। तो ये वाला पेयर का भी इसने परसों एक चिक दिया था जिसमें इसने उसको फीड नहीं करवाई क्योंकि फ़र्स्ट टाइम जो चिक्स जो होते हैं इनको अक्सर जो है पेयर जो है वो फीड नहीं कराते, तो इसलिए वो एक्सपायर हो जाते हैं। मैंने हैंड फीड दी थी लेकिन वो नहीं बच सका और अभी भी एक एग इसमें बाकी है और आई थिंक ये भी फर्टाइल नहीं है, इसको भी मैं एग बैंक में जमा करा देता हूँ, निकाल लेता हूँ उसको, क्योंकि न्यू एग जो आएंगे उसमें क्योंकि डेट टाइम ऊपर हो चुकी है और ये भी टाइम वेस्ट ही करेगा इसमें पेयर। इसको चेक करते हैं, ये कुछ लग रहा है कि फर्टाइल होगा तो उसको वापस डाल देते हैं और इसको वापस हैंगिंग कर देते हैं। अब दूसरे पेयर को चेक करते हैं, ये देखिए माशाल्लाह इसने और एक ले आउट कर दिए इस पेयर ने, ठीक है, लेकिन डेट टाइम आई थिंक निकल चुकी है इनकी भी। ये देखें इस तरीके से आप कोई भी यहाँ पर स्टिकर्स या मार्कर से लिख सकते हैं, तो मैं निकाल कर चेक करता हूँ इनको कि ये फर्टाइल है नहीं है और इनको फिर मार्किंग कर देंगे। मार्किंग से ये होगा कि आपकी जो पेयर है वो टाइम वेस्ट नहीं करेगा क्योंकि वो पुराने एग भी कोशिश करेगा कि उनको भी वो सेकता रहे, तो उससे ये होगा कि आपका वो भी लॉस होगा और ये भी लॉस होगा। तो उसमें से जो पुराने एग्स हैं उनको निकाल लेते हैं, वो आपको खुद ही न्यू पता चल जाएंगे माशाल्लाह से। ये देखें, अब ये आपको ये एग बैंक है मेरा जिसमें मैं पुराने एग्स जमा कर देता हूँ और इनको भी अभी बारी बारी चेक करते हैं कौन कौन से फर्टाइल हैं और कौन कौन से नहीं हैं। ये भी एग बैंक में जमा कर दिया है, ये मैंने इनको एग बैंक का नाम दिया हुआ है और आई थिंक ये एक कुछ गड़बड़ लग रही है, इसको भी देखते हैं। तो ये आप देख रहे होंगे कॉकटेल ने, ये इसमें आपको एक चिक भी नज़र आ रहा है, ये देखें। तो फर्स्ट टाइम जो पेयर जो है वो एग ले आउट करते हैं वो अक्सर ऐसे ही करते हैं। ये भी पुराना है, और एक ये न्यू एग नज़र आ रहा है माशाल्लाह से, एक ये पुराना है, क्योंकि चार एग्स ने ऑलरेडी दिए हुए थे और इस तरह टाइम वेस्ट होता है, मतलब आपका क्या आप सोच रहे होते हैं कि चिक्स आने वाले हैं, चिक्स आने वाले हैं, लेकिन चिक्स आते नहीं हैं। तो इनको मैं चेक करता हूँ फिर मैं आपको बताता हूँ। तो ये 7 एग्स थे कॉकटेल के, तो मैंने इसमें से दो निकाल दिए, इनमें से एक पे भी मुझे डाउटफुल है, जैसे ये वाला है कि ये टाइम वेस्ट करेगी इस पर फीमेल, तो आई थिंक इसको भी निकाल ही देता हूँ
क्योंकि ये भी पुराना हो गया है, या डाल देते हैं, देखते हैं अल्लाह मालिक है। क्योंकि इसका वेट है, जिनके एक्स के वेट नहीं होते इनको निकाल देना चाहिए, तो मैं इसको अभी वापस डाल देता हूँ, फिर देखते हैं इंशाल्लाह क्या प्रोग्रेस आती है इनकी। और मैं इनकी न्यू डेट लिख चुका हूँ, लेकिन सही नहीं लिखी, मैं दोबारा इनकी डेट भी लिख देता हूँ। इससे ही होता है कि आपको पता चल जाएगा कि 20 to 25 डेज़ में आपके चिक्स हैचिंग होने चाहिए, ठीक है। अगर ना हो तो समझ जाएं कि आपके एग ज़ाया हो चुके हैं। तो ये दो हो गए, एक ये भी हो गया, और एक इसको चेक करते हैं। इनकी तो खैर अभी डेट्स हैं, इनकी अभी डेट्स हैं, और इसको चेक करते हैं, क्योंकि इनके माशाल्लाह से एक चिक ये जो आपको नज़र आ रहा है, ये वाला चिक है, एक वो पीछे बैठा हुआ थोड़ा सा शाय है, और ये भी फीमेल है, और वो भी फीमेल है, और इनकी फ़ीमेल की भी मैं आपको इंशाल्लाह पहचान करवाऊंगा। अच्छा, इसको चेक करते हैं पहले, ये चिक अभी छोटा है, और ये फीमेल जो है वो एक पर है। अच्छा, मैं इनकी आपको पहचान करवाता हूँ, जो मेल और फीमेल की, फीमेल अडल्ट जब तक नहीं हो तो नहीं पता चलता है, लेकिन नॉर्मली जो है, जिस तरह ये देखें, ये मेल है। इसके जो फेस पे ऑरेंज स्पॉट है, ये थोड़ा डार्क होगा, विजिबल होता है बहुत ज़्यादा, ठीक है। और फीमेल का हमेशा से लाइट होगा, वो आपको कम विजिबल होगा। मेरे बकरे भी पीछे से आवाज़ लगा रहे हैं बार बार, और मैं आपको दिखाने की कोशिश